हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लाइव हैं आपका जो नाबार्ड का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हम कंप्यूटर की मैराथन लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको यहां पर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सवाल कराने वाला हूँ। यहाँ पर हम लाइव रहेंगे, ये क्वेश्चन हम सारे एक साथ डिस्कस करेंगे अगले कुछ टाइम तक। तो सबसे पहले प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है, और उसके बाद फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, Am I audible? ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विभा जी, गुड मॉर्निंग, फाइन, ओके। सो आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। तो अब करते हैं सेशन को स्टार्ट हम। यस सर, ऑडिबल, फाइन। चलिए, तो अभी हम सीरीज चला रहे थे कंप्यूटर की, जिसमें मैं अभी यहाँ पर आपके सामने दो पार्ट लेकर आया था, जहां पर मैंने आपको 50-50 क्वेश्चंस कराए थे आपको, और आज हम पूरे एक ही साथ 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो है वो करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें इजी, मॉडरेट, हाई लेवल हर तरह के सवाल यहाँ पर रहेंगे, 100 सवाल यहाँ हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस चैनल को भी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं माना जाता है? स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, या फिर इंटरप्रेटर है? तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर अभी ये क्या है। तो देखिए, स्कैनर एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, और माउस भी क्या है, हार्डवेयर होता है। इंटरप्रेटर हमारे पास यहाँ पर एक लैंग्वेज का जो एक ट्रांसलेशन का टूल होता है बेसिकली, तो इसमें इससे ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर कॉम्पोनेंट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सो द आंसर इज इंटरप्रेटर, फाइन। चलिए नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला दैट सिंपलीफाइज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हमारे पास एक्सेल में जो हमारे पास एक प्री प्रोग्राम फॉर्मूला होता है जो यूज होता है हमें किसके लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, वैल्यू, डेटा सीरीज, फंक्शन, फील्ड, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है इसका यहां पर देखते हैं, ये है इसका आंसर, फंक्शन। फंक्शन जो होते हैं बेसिकली एक्सेल में उसको हम यूज करते हैं, और वो हमारा एक फॉर्मूला के लिए, उसको हम फॉर्मूला भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट यूज करते हैं आजकल, इतना सही हो गई है सारी चीजें कि हम इंटरनेट पर चीजों को सेल कर सकते हैं, चीजों को बाय कर सकते हैं, मतलब हम ज्यादातर बाय करते हैं, और कुछ लोग जैसे ओएलएक्स पे है, बाकी चीजें हैं वो वहां पर वो सेल भी करते हैं। तो ऑनलाइन जब आप सारी चीजें करते हैं, जब का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन चलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस कॉमर्स को या फिर उस गुड्स को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, ई सेल्समैनशिप, या फिर ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये होता है आपका ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स होता है, ठीक है, ये बेसिकली सैंपल्स का आंसर, चेक करते हैं, बिल्कुल ई कॉमर्स इज द राइट आंसर। हाउ कुड यू डिस्क्राइब अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग फिजिकल केबल्स। हम एक डिवाइस को क्या बोलेंगे, मैं होप करूंगा आप सभी यहां पर जो आंसर वो साइड बाय साइड सभी लोग दे रहे होंगे आंसर, आई होप सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, सबको आंसर यहाँ पर क्लियर है, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग अ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल केबल हमें यूज नहीं करनी, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्री है, सेंट्रलाइज्ड है, ओपन सोर्स है, नन ऑफ दीज है। आंसर है उसका फ्री, ठीक है, वो एक फ्री डिवाइस होती है जिसमें हम कोई भी केबल जो है वो यूज नहीं करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, What is that? What time is used for an electronic circuit that generates signals at a regular interval? ऐसी कौन सा किसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं जो हमारा टाइम टाइम बाद, रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है वो सिग्नल्स को जनरेट करता रहेगा? सर्किट बोर्ड है, क्लॉक है, सर्किट कार्ड है, गेट्स है, नन ऑफ दीज है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, लेट्स सी द आंसर। सो आंसर इज क्लॉक। क्लॉक क्या होता है, अ क्लॉक सर्किट जनरेट्स रेगुलर सिग्नल्स सच एज क्लॉक पल्सेस टू सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। ऑप्शन ए, सी एंड डी आर नॉट टिपिकली जनरेट रेगुलर सिग्नल, मतलब बाकी सब जो है वो रेगुलर सिग्नल्स को जनरेट नहीं करते, क्लॉक जो है यहां पर वो रेगुलर सिग्नल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमारे पास जो एक तरह के रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जो ग्रुप में जब उनको एक साथ हम लिखते हैं, जब हम ग्रुप में सारे प्रोग्राम्स को एक साथ लेकर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैकेज, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैकेज। अ पैकेज रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। जब तीन चार अलग अलग प्रोग्राम एक साथ
लाए जाएं और उनको एक ही स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बोला जाए, उसको हम बोलते हैं यहां पर क्या, उसको बोलते हैं पैकेज। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट इज पैकेज। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बढ़िया, नाइस। चलो नेक्स्ट, इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम व्हाट आर द जीरो एंड वन नोन एज। अब आपसे पूछा गया है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम जो होता है उसमें जीरो वन को हम क्या बोलते हैं, बाइट्स है, किलोबाइट्स है, डेसिमल बाइट्स है, बिट्स है या फिर निबल्स है। ये होता है हमारा बिट्स, दैट इज बाइनरी डिजिट्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द वाइडली यूज 7-bit ASCII कोड फॉर डेटा कम्युनिकेशन वर्क, ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया ASCII कोड में 7-bit का यूज, हम उसका बेसिकली यूज क्या होता है, तो ये क्या है, फॉर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड IBM मेनफ्रेम मॉडल्स फॉर कोडिंग एक्सटर्नल मेमोरी या फिर इन लार्ज मशीन प्रोड्यूस बाय नॉन IBM वेंडर्स, ठीक। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये बेसिकली हमारा किसके लिए होता है, ये होता है हमारा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। फुल फॉर्म इसकी आप लोग मुझे बताएंगे, यहां पर लिखेंगे ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म मुझे आप लोग यहां पर लिखकर बताएंगे कमेंट में, मैं चेक कर रहा हूं उसको, ओके। चलिए, ऑन विच टाइप ऑफ प्रिंटर वुड यू टिपिकली प्रिपेयर अ हार्ड कॉपी, हम किस तरह के प्रिंटर पर जनरली एक हार्ड कॉपी को प्रिपेयर करते हैं, लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, टाइप राइटर टर्मिनल है, प्लॉटर है या ऑल ऑफ द अबव है। आंसर है अभी देखा उसका ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे प्रिंटर जो है, ये हमारे प्रिंटर बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज आउटपुट डिवाइस, और ये हमें क्या करने के लिए होता है, ये आउटपुट देने के लिए ही होता है, आउटपुट देने के लिए, और ये प्रिंट आउट के लिए होता है हार्ड कॉपी का। ये सॉफ्ट कॉपी आपकी देता है स्कैनर, हार्ड कॉपी आपकी कौन देगा, ये देता है आपका प्रिंटर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमेशंस इज नॉट अचीवेबल इन पावर पॉइंट, बुलेट लिस्ट, रिवील्ड वन बुलेट पॉइंट एट अ टाइम, क्लिप आर्ट, फ्लाइन फ्रॉम द बॉटम, टेबल रिवील्ड रो बाय रो, चार्ट रिवील्ड बाय सीरीज या फिर नन ऑफ द अबव। मतलब आपसे यहां पर पूछा गया है कि किस तरह का एनिमेशन हम पावर पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं पूछा है यहां पर, तो देखते हैं किस तरह का ई, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे एनिमेशन जो आपके बुलेट लिस्ट है, बुलेट पॉइंट टाइम है, क्लिप आर्ट है, टेबल है, चार्ट है, ये सारे के सारे हम उसमें ले सकते हैं एनिमेशन हमारे पावर पॉइंट के अंदर। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी भाई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर II का नहीं बताया आपने हनुमान बग जी, इन्फॉर्मेशन है ना, लास्ट का बचा है, 2 I बचे हैं अभी। अब देखो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है क्या है, बताओ मुझे एक बार, सभी लोग लिखकर, मैं बार बार आपके कमेंट चेक कर रहा हूं बीच में, ठीक है। एमएस का जो फ्रंट पेज होता है इसमें से कौन सा एक वैलिड व्यू नहीं है, एमएस फ्रंट पेज में कौन सा जो एक व्यू है वो वैलिड नहीं है, डिजाइन व्यू है, फोल्डर व्यू, नेविगेशन व्यू, वेब सर्वर व्यू या फिर नन ऑफ दीज, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें से जो वेब सर्वर व्यू है, ठीक है, इसमें से जो ये वेब सर्वर व्यू है ये नहीं होता इसका फ्रंट पेज का, बाकी डिजाइन व्यू, फोल्डर्स व्यू, नेविगेशन व्यू सभी के सभी हमारे जो है वो आते हैं इसमें, क्योंकि ये कोई नाम ही नहीं है बेसिकली, है ना, ये सर्वर व्यू कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है सीपीयू के अंदर कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है परफॉर्म करने के लिए, जहां पर हम मैथमेटिकल और हम लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सके, ये आपसे यहां पूछा गया है। सो आंसर क्या है आपका, ALU, एड्रेस रजिस्टर, एनालॉग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है यहां पर, ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हम सारे के सारे चीजें जो है वो करते हैं यहां पर, ठीक है। चलिए, हाँ आंसर, वेरी गुड अनु जी, बहुत बढ़िया, मैंने देखा आपका आंसर, आपने लिखा इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 12th तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। व्हाट की इज कॉमनली यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड, अब अगर हमें सिलेक्टेड कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी की का हम यूज करते हैं, शिफ्ट की है, टैब की है, एंटर की है, कंट्रोल की है, यह आपसे पूछा गया है। बेसिकली आपका प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर चल रहा है, आपने अभी तक सब कुछ जो है आई गेस अभी पढ़ लिया होगा क्योंकि अब आपके 4-5 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपसे बात करने में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप फटाफट से क्वेश्चन देखते रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में भी हूँ, आप क्वेश्चन देखते रहिए और आप यहाँ बस अपने बस जो आंसर है वो यहाँ पर लिखते रहिए, ठीक है। व्हाट की इज कॉमनली यूज टू एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड, शिफ्ट है, टैब है, एंटर है, कंट्रोल है, नन ऑफ दीज है, सो द आंसर इज एंटर। एंटर जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है, जैसे आप यहाँ पर इसका
मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्रेसिंग द एंटर की इज अ कॉमन वे टू एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड कमांड इन वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए। इन एक्सेल हाउ डू यू असाइन अ नेम टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू? एक एक्सेल में अगर आपको एक कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी एक नेम असाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है। क्रिएट नेम्स, डिफाइन नेम, पेस्ट नेम, फॉर्मेट सेल्स, नन ऑफ द अबव। आंसर है आपका, आप उसमें क्या करेंगे, नेम डिफाइन, डिफाइन नेम। ठीक है, चलिए। What happens when you insert an Excel file into a Word document? जब आप Excel file को एक Word में, MS Word को, MS Excel को, MS Word file में जब उसको आप insert करते हो, तो क्या होता है आपका? ठीक है? तो क्या होता है? उसको क्या होगा? Hyperlinked है, placed in a Word table है, linked है, embedded है, one of the above है, so the answer is linked। ठीक है, वो linked हो जाता है। When you insert an Excel file into a Word document, the data is typically linked, meaning that changes made in the Excel file will be reflected in the Word document। मतलब जो भी आप वहां चेंज करते रहोगे, वहां पर उसके चेंजेस जो है वो दिखते रहेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What do you call a function that is nested inside another function? आप इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, दूसरे फंक्शन से अंदर जो नेस्टेड है उसके अंदर जो ऑलरेडी होता है। तो नेस्टेड है, राउंड है, सम है, टेक्स्ट है, नन ऑफ द अबव है, तो नेस्टेड इसका आंसर है, क्योंकि फंक्शन को जब दूसरे फंक्शन में होता है उसको हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, थोड़ा सा पोज लेकर। एमएस ऑफिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुछ भी छोड़कर चले जाना, एमएस ऑफिस को मत छोड़कर जाना। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जितने क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर सको, जैसे भी कर सको, वो जरूर कर लेना। ठीक है, आपके आपको सिर्फ अगर सिर्फ पास ही होना है, आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है, तो वो आपकी वहां से हो जाएगी, बट एमएस ऑफिस को मत छोड़ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, To select the entire row in many software applications, what key combination is used? ठीक है, अगर आपको software application में पूरी की पूरी row को जो है वो select करना है, तो कौन सी keys का combination आप करेंगे? Shift plus space है, shift plus control है, shift plus alt है, space plus enter है, या फिर none of these है, क्या करेंगे आप बताओ? Yes, हनुमान जी, PDF आपको मिल जाएगा। Don't worry, अभी तो session चल रहा है, इस session के बाद मैं आपको उसका PDF provide करा दूंगा, don't worry। दोपहर तक, मतलब एक दो घंटे बाद तक, उसके बाद थोड़े देर बाद तक आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा आपको इसको वर्ड में पूरा करके, और मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। मैं आई विल ट्राई। ठीक है, मिल जाएगा आपको पीडीएफ, या फिर आपको यही वाला जो पीपीटी का पीडीएफ जो है मिल जाएगा, बट मिल जाएगा, डोंट वरी। टू सेलेक्ट द एंटायर रो इन, ये क्वेश्चन था इसमें, तो शिफ्ट प्लस स्पेस है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट है, स्पेस प्लस एंटर है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर यहाँ पर शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी जो रो है वो क्या हो जाएगी, वो वहां पर सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग व्हाट इज यूज्ड टू कोड ऑपरेशन? ठीक है, आपको अगर ऑपरेशंस को बनाना है, उनको कोड करना है, तो आप क्या इसमें से यूज करोगे? निमोनिक्स है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स है फॉर एड्रेस, लैंग्वेज बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज सारे के सारे, आपके निमोनिक्स हैं, आपके अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज यूज होती है हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज यूज होती है, सारे के सारे इसमें जो है वो हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, चलिए, सभी लोग इसको शेयर भी कर देना ना सेशन को, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप शेयर भी करते रहना सेशन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट। How can the capacity of a CPU be measured? एक CPU की capacity जो है वो कैसे measured होती है? BPS में, MIPS में, MHZ में, MPI में, KHZ में, bits per second, millions instruction per second, megahertz, megapixel, mega per inch, kilohertz. Okay? So the answer is megahertz में उसकी capacity होती है। अब मेरा question जो आपसे वो ये नहीं है, मेरा question आपसे ये है कि CPU का और MIPS का एक relation होता है, और वो क्या होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। MIPS का जो यहां पर लिखा है ना, ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और CPU, इनका आपस में कुछ कनेक्शन है, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ फटाफट से। मैं तब तक चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट डज जिपिंग अ फाइल मीन? एक फाइल को जिप करने का मतलब यहां पर क्या होता है, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। एनक्रिप्टिंग द मैसेज, कंप्रेसिंग द मैसेज, ट्रांसफरिंग द मैसेज, ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, जिपिंग का मतलब क्या होता है? जिपिंग का मतलब होता है किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को
कंप्रेस कर देना, उसके साइज को कम कर देना, ताकि हम उसको इजिली मूव कर सकें यहां ए से बी प्लेस तक, और हमारा जो जगह है वो भी कम हो। मैसेज आपका सिर्फ छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ उसके साइज में डिफरेंस आता है। सो दैट इज कंप्रेसिंग। ठीक है, समझ गए? अभी मुझे आंसर नहीं मिला भाई, डोंट नो। बाकी लोग हैं, बाकी लोग आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको, MIPS को और CPU को, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ मुझे फटाफट से आंसर कर, मैं वेट कर रहा हूँ सभी लोग। ठीक है, व्हाट डज जिपिंग फाइल मीन। ओके नेक्स्ट, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर हमारे पास। व्हाट टेक्नोलॉजी एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज यूजर्स। तो नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, हाइपरलिंक है, ट्रांसमीटर है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ही हम हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को अलग अलग जो है हम उसको यूज करते हैं। बिल्कुल भी भाजी, सीपीयू की स्पीड जो होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नेटवर्क वाला पार्ट, आगे चलते हैं। When creating high quality color graphics in hard copy, which type of printer is referred? अब पहले क्वेश्चन क्या आया था कि कौन सा प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी के लिए यूज होता है, तो आंसर था कि सारे के सारे प्रिंटर हमारे हार्ड कॉपी के लिए यूज होते हैं। अब आपसे यहाँ पर यह बोला गया है कि कौन सा प्रिंटर हमारा हाई क्वालिटी कलर ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, इसमें से वर्चुअल है, लेजर है, इंकजेट है, प्लॉटर है, या फिर RGB है। आंसर इसका अभी यहाँ पर प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या होता है मैं आपको समझा दूं। हाई क्वालिटी आपको कहां चाहिए होती है, जब आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगाने होते हैं। अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है, कुछ टाइम में आप जहां भी रहते होंगे, आपके आसपास आपके जो कॉलेज के स्कूल्स के बोर्ड लगे होते हैं, जो इलेक्शन पार्टी के बोर्ड लगे होते हैं, जो बैनर लगे होते हैं बेसिकली, है ना, वो आपके जो प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं, वो प्रिंटर से प्रिंट नहीं होते, उनके लिए अलग ड्रेस होती है, दैट इज प्लॉटर। फाइन, बहुत बड़ी मशीन होती है, लगभग पूरे रूम के साइज की मशीन होती है, जिनको बोलते हैं ना कि फ्लेक्स बोर्ड जो होते हैं, वो सारे आपका प्लॉटर वाला पार्ट होता है। फाइन, चलिए। इन एमएस वर्ड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द थिसारस टूल, स्पेलिंग सजेशंस, ग्रामर ऑप्शंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम वर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ओके, सो ये बेसिकली हमारा किसके लिए होता है, सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड के लिए हम जो है एमएस वर्ड में थिसारस टूल को यूज करते हैं, ताकि हम जो वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम उनको हम फाइंड कर सके। यस हनुमान जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर करो फटाफट से। बिलो 20th का आंसर करो सब लोग। क्या आंसर 25th का? यस, क्या भी आंसर जल्दी बताओ सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, ओके, फाइन। तो क्वेश्चन है हमारा यहां पर, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फ्रंट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, 8x72, 8x64, 12x72 या फिर नन ऑफ दीज। आंसर आपका यहां पर ए, दैट इज 8x72। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और अलाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। ठीक है, आपसे पूछा गया है, हमारे पास अलाइनमेंट्स होते हैं काफी सारे, है ना, हमारे पास चार तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, हमारे पास लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और एक सेंटर। ठीक है, चार हमारे पास होते हैं अलाइनमेंट। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अगर आपको विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और अलाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन, हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है, तो हम उसको यूज करेंगे Ctrl+J। ये होता है कॉपी के लिए, ये होता है इटैलिक्स के लिए, ये होता है आपका हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, लिंक इंसर्ट करने के लिए। तो आंसर इज Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए। ई, आई गेस अभी जो मुझे याद आ रहा है, ई आपका सेंटर के लिए होता है, लेफ्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट आपका राइट अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट।
Among the following options, which one is distinct? इसमें से कौन सा सबसे अलग है? इंटरनेट है, विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, नॉन ऑफ दिस है. सिंपल है, क्या अलग है इसमें से? ठीक है, विंडोज. ठीक है, ठीक है, विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम. थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो गया मेरे ख्याल से. ठीक है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है. इंटरनेट इसका आंसर होगा, सॉरी. ठीक है, सो इंटरनेट यहाँ पर सबसे अलग है, बाकी सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. ठीक है, कुछ फ्री सोर्स है, कुछ ओपन सोर्स है, कुछ अलग अलग है, तो यहाँ पर ये इंटरनेट है. ठीक, चलिए कोई नहीं. व्हाट हैपेंस व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट बट नॉट ऑल लिस्ट आर अपडेटेड. अब यहाँ पर क्या होता है, जब डेटा आपका अलग अलग लिस्ट में चेंज होता है बट सारी की सारी लिस्ट में अपडेट नहीं हो पाता, तो उसको क्या बोलते हैं? ये डीबी में से क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है ये. इंटरनेट ए, ठीक है ना, ए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो इसमें आपका डेटा रिडंडेंसी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, डुप्लीकेट डेटा है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है, नन ऑफ दीज है. देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब ये डेटा जो है वो अपडेट नहीं हो पाता है. फाइन, चलिए. What is commonly used to grant an outside organization access to internet web pages? जब हम किसी बाहर की organization को हमारे जो internet के web pages हैं उनको उन पर काम करने का मौका देते हैं, उनको access करने का मौका देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? ExaNet है, intranet है, internet है, hacker है, one of the above है, ये हमारा होता है भाई ExaNet. ठीक है, internet तो होता है basically हमारा जब organizations के अंदर ही चीजें चल रही होती हैं. internet होता है मतलब एक पर्टिकुलर दो तीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब चीजें होंगी तो वो होगा इंटरनेट. जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन होगी उसी के अंदर चीजें होंगी तो हो जाएगा इंटरनेट. हैकर तो बहुत अलग चीज हो जाती है. तो बचता है यहाँ पर क्या आपका? एक्सनेट बचता है आपका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम कॉल? ठीक है, जब रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना हो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रिंटिंग है, सेविंग है, बूटिंग है, स्टार्टिंग है, नन ऑफ दीज है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम बूटिंग. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बूटिंग. इट इज नोन एज बूटिंग. ठीक है भाई, चीजें क्लियर है सबको अभी तक? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? फाइन, ओके. चलिए जी, नेक्स्ट. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन डेटाबेस? डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ये आपसे यहां पूछा गया है. तो अनलॉक द डेटाबेस, प्रोवाइड अ मैप ऑफ द डेटा, uniquely identify record establish consentments on data operation and none of these. So let's see answer. इसके यहाँ पर एक record को uniquely identify करना है, क्योंकि primary key एक आपके पूरे database में एक ही होती है. उस record को आपको सबसे अलग रखना है, सबसे अलग उसको बचा कर रखना है, उसको identify करना है. तो वहां पर हम क्या use करते हैं? That is क्या? That is primary key and that is used to uniquely identify a record. Next. In Windows Explorer, what does the plus sign in front of a folder indicate? हमारे folder में एक Windows Explorer में plus sign जो होता है, ये Windows Explorer है आपका, यहाँ पर plus होता है. ठीक है, इस वाले plus को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूछा गया है. An open folder, the folder contains sub folders, a text file, a graphics file, none of these. ठीक है, ये होता है the folder contains a sub folder. ठीक है, in the Windows मतलब उसके folder के अंदर एक और folder जो होता है वो, उसको यहाँ पर पूछा गया है. Which statement about Windows is not true? इसमें से कौन सी statement Windows के बारे में true नहीं है? Windows are an example of command-driven environment. Windows can be resized and repositioned on the desktop. More than one window can open at a time. Toolbars and scrollbars are feature of Windows. या फिर none of these. तो इसका answer है Windows are an example of a command-driven environment. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये command driven environment से windows का होता है पूरा सीन. ये थोड़ी सी यहाँ पर चीजें गलत है, बाकी सारी चीजें जो है वो ठीक है. विंडो को आप resize कर सकते हो, मोर देन टू विंडो आप ओपन कर सकते हो, टूल बार स्क्रोल बार विंडोज के फीचर है, सिर्फ एक ही चीज जो है इसमें यहाँ पर नहीं है. ठीक है ज्योति जी, आप पूछ लेना मुझसे, बता दूंगा आपको ना. मतलब we are trying to do it a little bit faster. थोड़ा सा उसको तेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें कर सको. बाकी जो मुझे लगेगा आप उनको बोल देना, मैं बीच में कॉमेंट चेक कर रहा हूँ. तो यू जस्ट मार्क द क्वेश्चन नंबर और मैं उसके जो एग्जाम्पल्स है उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर. ठीक है, नो वरीज. What is the memory resident portion of the operating system called? ठीक है, memory resident portion क्या होता है operating system का? Registry है, API है, CMOS है, kernel है, या फिर none of these है. तो क्या है हमारा, ये होता है हमारे पास
कर्नल, ठीक है। कर्नल बेसिकली हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें से एक ही चीज है जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है इनमें से, वो हमारी कर्नल होता है, ठीक है। दैट इज कर्नल। वेयर इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS स्टोर, ठीक है। हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो कहां स्टोर होता है, रैम में है, रोम में है, सीपीयू में है, हार्ड ड्राइव में है, या फिर नन ऑफ दीज है। सो ठीक है, ये होता है हमारा भाई रोम के अंदर, ठीक है। BIOS हमारा टिपिकली रोम होता है, ठीक। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी को उसके बारे में आइडिया होगा। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टावर, सीपीयू, मदरबोर्ड, पेरीफेरल, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ, इसमें से कौन सा एक टावर कंसिडर्ड नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। पेरीफेरल, जो पेरीफेरल डिवाइस होती है, ठीक है, उसमें उसको कंसिडर, उसको टावर कंसिडर्ड नहीं किया था, पेरीफेरल डिवाइस को, ठीक है। चलिए, ओके, ओके, नेक्स्ट, फटाफट करते रहोगे सभी लोग, गुड, ठीक है, ये हो गया। चलो, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट कॉल्ड, अब सबसे पूछा गया है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती है वर्कशीट में, उनको क्या बोलते हैं, सेल्स हैं, शीट्स हैं, ब्लॉक लाइंस है, ग्रिड लाइंस है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस, दोनों को हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। और जो हमारा इंटरसेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे ये हमारी रोज है, ये हमारे कॉलम्स है, तो जो हमारा इसका इंटरसेक्शन जो होता है इसके अंदर, है ना, जैसे ये है, तो इसको, इनको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली सेल बोलते हैं इनको, फाइन, इनको सेल बोलेंगे। उसके बाद एक चीज और होती है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एक्सेल में जब हम कोई फॉर्मूला को इंसर्ट करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमें एक मैंडेटरी एक साइन होता है, एक अर्थमेटिकल साइन होता है, वो हमें लगाना होता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका इजिकल्स टू, इजिकल्स टू लगाकर ही आपके फॉर्मूला जो है जो उसमें आप इंसर्ट कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं इस तरह से भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस, मॉनिटर्स है, ओवरहेड प्रोजेक्शंस है, मॉनिटर्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्शंस एक साथ हो गया, टच स्क्रीन कियोस्क, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। सो यहाँ पर है मॉनिटर्स, आपको यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो पूछा है आपसे ना, जैसे डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में आपको इन्फॉर्मेशन को दिखाना है। आपने कई बार देखा होगा टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा, बाहर इंडिया में तो शायद में बहुत कम, मतलब हमें देखने के लिए मिलते हैं चीजें, बट आपने एक न्यूयॉर्क सिटी में जो है वहां पर वो पूरी बिलबोर्ड जो लगे होते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, आपने देखा होगा कि एक जो टाइम स्क्वायर जो जगह है शायद, अगर मैं सही हूं तो, वहां पर आपको चारों तरफ स्क्रीन स्क्रीन लगी हुई है, बहुत सारी प्रोजेक्टर्स हैं, स्क्रीन्स हैं, चीजों को शो करने के लिए। आप देखे होते होंगे, आप शायद इंडिया में बहुत जगह है, दिल्ली में है, सीपी में बहुत जगह लगी हुई है। सो वो क्या होता है, वो बेसिकली क्या है, मॉनिटर्स एंड ओवरहेड प्रोजेक्शंस होते हैं वो, ठीक है। ये आपसे यहाँ पूछा गया है, विच की व्हेन कंबाइंड विद अनदर की परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, अगर एक की को दूसरी की के साथ अगर हम जोड़ दें, उन दोनों को मिलाकर कोई एक पर्टिकुलर काम करें तो क्या बोलते हैं उसको, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, फंक्शन की, कंट्रोल की, एरो की, स्पेस बार, रन ऑफ दीज, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कंट्रोल की, कंट्रोल की के साथ हम, कंट्रोल के है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल हम बहुत सारी कीज जो है वो यूज करते हैं, दैट इज द कंट्रोल, ठीक है। चलिए, फैक्स मशीन एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, जो हमारे फैक्स मशीन है, इमेजिंग सिस्टम्स है, ये किसका एग्जांपल है, बारकोड रीडर्स हो गए, इमेजिंग सिस्टम्स हो गए, स्कैनिंग डिवाइस हो गए, पेन बेस्ड सिस्टम हो गए, फिर नन ऑफ दीज है, तो इसका आंसर यहां पर बी, इमेजिंग सिस्टम, ठीक है। फैक्स, फैक्स मशीन और जो हमारी ये है, हमारा किसका पार्ट है, ये इमेजिंग सिस्टम का पार्ट है, फैक्स मशीन वाला पार्ट, ठीक है। व्हाट डज एमपीथी रेफर टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में कहा था क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर हर लेवल के आएंगे। एमपीथ्री क्या है, एमपीथ्री गाने होते हैं जो हमें सुनने के लिए मिलते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, तो बेसिकली फॉर्मेट है किसका, साउंड का एक फॉर्मेट होता है एमपीथ्री, है ना। चलो, What process allows multiple computers to use the same IP address and hide their actual IP address from the internet? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को सेम IP address पर काम करने के लिए हेल्प करता है और एक्चुअल जो IP address है उसको वो वहां से हटाता है? तो राउटिंग है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, सिग्नेचर रेफरेंसिंग है, पैकेट फिल्टरिंग है, नन ऑफ दीज है, तो क्या है, देखते हैं इसको। ये है हमारा नेटवर्क एड्रेस
ट्रांसलेशन क्या करता है, ये वो प्रोसेस है जो एनेबल करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को शेयर करना वन आईपी एड्रेस को और हाइड देयर एक्चुअल एड्रेस। ठीक है, अगर आपको अपना एक्चुअल एड्रेस को हाइड करना है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, आप NAT यूज करते हैं, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। What feature of read-only memory ROM makes it valuable? ROM information can be easily updated. Data in ROM is non-volatile, remaining even without electrical power. ROM provides very large amounts of inexpensive data storage. ROM chips are easily swapped between different brands of computers. None of these. तो आपसे पूछा गया है, ROM का कौन सा feature उसको बहुत अच्छा बनाता है, बहुत better बनाता है बाकी चीजों से, आपसे यहाँ पूछा गया है, तो वो है आपका D, जो data in ROM है, ठीक है, वो आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, जब पावर आपकी चली जाएगी तब भी वो उसको इजीली है रहेगा। यहां पर शायद आई थिंक मैंने कहीं लिखा नहीं है, बी सॉरी, है ना, बी। ठीक है, ये रहा, क्योंकि आपके अगर लाइट चलेगी, आपके आपका डेटा अगर कुछ मतलब कुछ अगर कंप्यूटर चल नहीं पा रहा है तब भी आपका डेटा जो स्टोर रहता है उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत जो है वो नहीं होती। जब आपका टीवी बंद हो जाता है रिमोट, तो आप मतलब रिमोट की जो फंक्शनिंग है वो तब भी काम ही करेगी ना वैसी, मतलब ये जब वो टीवी चलेगा तो वो चलेगा ही, लाइट एकदम चलेगी थोड़ी ना कि रिमोट में सारी चीजें जो है वो गायब हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग। डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन विच नंबर सिस्टम दैट यूजेस टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा, बाइनरी है, बायोमेट्रिक है, बाइसेंटिनियल है, बाइट है, या फिर नन ऑफ दीज है, तो इसमें आपका आंसर क्या है, ये बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी है सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेयर कैन यू टेम्परली स्टोर टेक्स्ट एंड डेटा टू लेटर पेस देम इनटू अनदर लोकेशन। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आपने कोई डेटा कॉपी किया, अब आपको वो डेटा पेस्ट करना है। अब जब आप उसको कॉपी करते हो तो कॉपी कहाँ हो जाएगा, वो कॉपी होता है आपका क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में जाकर वो कॉपी हो जाएगा, फिर वहां से उसको आप फिर जहां भी आपको उसको पेस्ट करना है उसको आप वहां पर जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है, क्लिपबोर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, What are the characteristics of classes, instances and methods primarily associated with testing plan construction, artificial intelligence techniques, object oriented design, flowcharts and pseudo code, या फिर none of these? ठीक है, ये basically हमारा आपसे पूछा गया है कि classes हो गया, instances हो गया, और ठीक है ये सारे जो methods हैं ये हम इसमें से किस तरह के जो हमारा फीचर होता है कंप्यूटर में उसमें कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं हमारा ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे जो ऊप्स जो एक प्रोग्रामिंग होती है जो एक लैंग्वेज होती है ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को, मेथड्स को, इंस्टेंसेस को, इनको यूज करते हैं, तो वो डबल ओ ठीक है ऊप्स ओरिएंटेड डिजाइन में होते हैं हमारे बेसिकली। ठीक है, आंसर देखो है ना ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए, Which statement correctly describes CDR and DVD-R disk? You may record data to the disk surface multiple times and can read the current contents at any time. You may read data from the disk but may not alter its contents. You may record data to the disk surface multiple times but have no direct reading capability. You may record data to the disk surface once and they may only read its contents. None of these. ठीक है, CDR, CD writable, ठीक है, sorry, readable, DVD-R. ठीक है, डीवीडी रीडेबल। अब इसमें से क्या होता है, तो बेसिकली देख लो भाई, डी ऑप्शन जो है आप इसको डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन उसको सिर्फ रीड करने के लिए, आप उसको सिर्फ दूर से देखो, आराम से उसको स्टडी करो, बस छेड़खानी नहीं करनी है उसमें, आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जब डब्ल्यू आर होता है, रीडेबल राइटेबल होता है, तब सब कुछ ठीक हो जाता है, पर रीडेबल में आर में सिर्फ आप उसको देख सकते हो। आप गए बाहर, आप एक मूवी लेकर आए उसमें सीडी में, आपने वो देखी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपकी डिस्क जो है वो डब्ल्यू आर होती है तब आप उसमें चीजें जो है वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। यू मे नहीं, ये रिकॉर्ड का नहीं है ना, सॉरी, यू मे रीड डेटा, हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसमें एक चीज तो ठीक है, ओनली रीड तो ठीक है, हाँ रिकॉर्ड भी वैसे आप कर सकते हो अलग से रिकॉर्ड करना चाहो तो इसमें बी और डी, ठीक है, जो एग्जैक्ट जो है यहां पर वो डी बैठेगा इसका, एग्जैक्ट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आपको, एग्जैक्ट जो है वो डी बैठेगा 47 का, बी तो है मैं बोलता रहा हूं, बट आर जो है कॉम्पैक्ट डिस्क भी होती है उसमें नॉर्मली,
इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, यू मे रिकॉर्ड डेटा टू द डिस्क सरफेस वंस एंड देन ओनली। हाँ वही तो बोला यहाँ पर कि आपने डिस्क सरफेस में डेटा को रिकॉर्ड कर दिया, एक बार आपने डेटा को वहां रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद फिर आप उसको खाली देख सकते हो, ठीक है, बस को देख सकते हो, ऑल्टर तो आप कर ही नहीं पाओगे, वही मतलब इसका ऑल्टर करने के किया है। तो ये इसका जो जो टेक्निकल पूछा ना, इन्होंने पूछा है कि करेक्टली जो डिस्क्राइब करेगा इसको वो यही वाला पार्ट करेगा, डी वाला, इसको देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर तो रीराइट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर रीराइट तो बोला ही नहीं है ना, वो एक ही बार तो हुआ। ये देखो यहाँ पर लिखा तो है यू मे रिकॉर्ड डेटा टू द डिस्क, आपने डिस्क में डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है ना, और उसको एक ही बार होगा बस वो, और उसके बाद बस उसको आप रीड कर सकते हो, यही तो बोला है यहां पर, ठीक है। चलो व्हाट टाइम इज यूज फॉर मूविंग डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट, आपको एक डॉक्यूमेंट में नीचे जाना है फटाफट से, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे स्क्रॉल, आप आएंगे स्क्रॉल, स्क्रॉलिंग इज द टाइम यूज फॉर मूविंग डाउन अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर, सीडी रोम की यहाँ पर फुल फॉर्म से पूछी गई है, तो सॉरी यहाँ पर आंसर मैंने दे ही दिया, सॉरी, ठीक है, सीडी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, चलिए थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। विच फीचर अलाउज यू टू मेक ऑल द लेटर्स कैपिटल विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। अब आप यहां से पूछा गया है अगर आपको लेटर्स को कैप्स लॉक में लिखना है तो आप क्या करेंगे, है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपसे यहाँ पूछा गया है तो आप करेंगे उसको भाई कैप्स लॉक, है ना, लेटर्स आपको यहाँ कैपिटल में लिखने हैं, शिफ्ट, अगर शिफ्ट के साथ आप ए दबाएंगे तो ए कैपिटल आएगा, बट आपको हर बार शिफ्ट नहीं दबाना है, आप सीधा एक बार कैप्स लॉक दबा दो, सारे के सारे जो आपके वर्ड लेटर्स हैं वो कैपिटल में हो जाएंगे। फाइन, आंसर देख लेते इसका, ये होगा वैसे तो कैप्स लॉक की, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोग्राम दैट हैज बीन फिजिकली इंटू ऑन टू अ चिप कॉल, ठीक है, जब हम प्रोग्राम को फिजिकली एक चिप में उसको लगाते हैं तो फर्मवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, तो बेसिकली आप क्या होता है, वो फर्मवेयर होता है, ठीक है, फर्मवेयर बेसिकली उसमें हम पर्सनली लगाते हैं उस किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, किसी हार्डवेयर में जो फिजिकल लगाते हैं वो आपका फर्मवेयर होता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई, इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सी मेमोरी को एक कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होता है, नहीं तो वो दिक्कत कर जाएगी, ठीक है, एस डी रैम, पी रोम, रोम, डब्ल्यूपी रोम, आपसे पूछा गया है, तो भाई पी रोम जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है उसको हमेशा हम क्या चाहिए होता है, एक कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होता है। बात करें हम डब्ल्यूपी रोम में, डब्ल्यूपी रोम होता है, एक होता है हमारे पास ईपी रोम, ठीक है, ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके क्वेश्चन आता है ज्यादातर जब आप क्या करेंगे उसमें, ठीक है, क्वेश्चन में ये आता है आपके पास, हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से आप किस तरह के डेटा को, किस तरह की मेमोरी को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, उसको हटा सकते हो या उसको इरेज कर सकते हो, तो आपका आता है ईपी रोम, ठीक है, और जो आपका आता है डबल ईपी रोम दैट इज इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल जो वेरीज होती हैं, हीट्स वेव्स होती हैं, उससे हम उसको करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ स्टूडेंट बायज अ कंप्यूटर फ्रॉम dell.com व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज बीइंग यूज्ड, dell.com बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि डेल की वेबसाइट जो है वहां से अगर हम एक कंप्यूटर ने बाय किया है तो किस तरह का ई कॉमर्स हम यूज कर रहे हैं, बी टू बी, सी टू सी, बी टू ई या फिर बी टू सी, बताइए, बोलो, दैट इज बी टू बी, बी टू सी, ठीक है, बी यहां पर होता है बिजनेस के लिए, सी यहां पर होता है, सॉरी, सी यहां पर होता है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया तो ये हो गया हमारा बी टू सी, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। व्हाट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग वेब पेज, अगर आपको एक वेब पेज को लिखना है तो हमारे पास उसके लिए एक फंडामेंटल लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, डी होती है वो HTML,
HTML हम यूज करते हैं वेब पेज में डेटा को लिखने के लिए, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टोपोलॉजी वेयर ऑल नोड्स आर अट्रैक्टेड इन अ सर्कुलर रिंग वायरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, टोपोलॉजी आपसे पूछी गई है जिसके अंदर सारे के सारे अटैच होते हैं। सॉरी, करिए क्वेश्चन को फटाफट से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस तरह की टोपोलॉजी में इसमें सारे के सारे नोड जो हैं सर्कुलर वायरिंग में अटैच होते हैं, तो उसका आंसर यहां पर रिंग। ठीक है, बेसिकली हम क्या है, ये रिंग है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर ही हम क्या करते हैं कि हमारी टेक्निक होती है, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं रिपीटर्स। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि रिपीटर्स जो है वो किस तरह की टोपोलॉजी में यूज होते हैं, वो आप बोलोगे वो रिंग में यूज होते हैं, क्योंकि रिपीटर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो बैंडविड्थ है, आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है, उसकी जो सॉरी रेंज है, उसको बढ़ा देते हैं काफी। ठीक है, सो वो हो गया हमारा रिपीटर्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस बी इंप्रूव्ड। एक हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमल स्टोरेज डिवाइस है, डिस्क कैशे, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी रीडर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यहां पर क्या है, डिस्क कैशे से हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, उससे हम स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ सिस्टम यूनिट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करती है। प्रोवाइड्स अ स्टडी फ्रेम फॉर माउंटिंग इंटरनल कॉम्पोनेंट्स, प्रोवाइड्स रूम फॉर सिस्टम अपग्रेड्स, रिप्रेजेंट्स डेटा एज बाइनरी नंबर्स, हाउसेस द कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आंसर इसका यहां पर क्या है, सी, जब उसको वो रिप्रेजेंट करे डेटा को एज बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, चलिए, वेयर कैन यू फाइंड द एरिटिक ग्रुप एंड द रिप्लेस कमांड। जो हम एरिटिक ग्रुप है, रिप्लेस कमांड जो होती है, वो हम मतलब बेसिकली यहां पर वर्ड की, एमएस ऑफिस की, इनके की बातें हो रही है, तो इंसर्ट टैब होता है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है, या फिर ऑन द होम टैब है, बताओ 58th का आंसर क्या होगा सभी लोग। बताओ 58th का आंसर क्या होगा, अभी 56 पर ही हैं आप, हम 58 पर आ गए हैं। इंसर्ट टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब है, या फिर होम टैब है। ठीक है, बताओ, आंसर नहीं आया अभी किसी का। ये होता है हमारा होम टैब। होम टैब में हमारा एडिटिंग ग्रुप भी, रिप्लेस कमांड भी, दोनों की दूरी आती है। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो। हाइपरलिंक है, इंडेक्स है, ट्रांसपोज है, रोज है। आंसर इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, ये रो डेटा कॉलम को, फिर कॉलम डेटा को रो में क्या है, दिखाता है हमें यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स। सिंपल है, अभी किया था। व्हाट टाइप ऑफ, आसान है तो भाई बताना भी नहीं पड़ेगा शायद, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट के अंदर आपकी रोज भी होती है और आपकी कॉलम्स भी होती है। नेक्स्ट, which terms refers to software used for organizing storage and retrieval information। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, डेटाबेस प्रोग्राम है, डेटा वेयरहाउस है, फिर नन ऑफ दीज है। इसका आंसर हमारा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, सब कहां से करेंगे, हम डेटाबेस से करेंगे। How can you add a word into the middle of a sentence? Move the cursor to the desired location in the sentence and the type the new word. Move the cursor to the desired location in the sentence. Press enter key and type the new word. Move the cursor to the beginning of a sentence and start typing. Retype the whole
सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस के मिडिल में एक वर्ड को ऐड करना है, आप क्या करेंगे, आप भाई क्या करेंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे और न्यू वर्ड को ऐड कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द टर्म फॉर अ हाई स्पीड ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड फॉर वैन ट्रैफिक। तो X.25 लाइन, P2PN, बैकबोन या फिर POP, ये आपसे अब पूछा गया है, बताओ। आ रहा है भाई क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे, सही प्रैक्टिस हो रही है ना। यस, चलो, सो द आंसर इज बैकबोन, ठीक है। बैकबोन जो होती है एक हाई स्पीड लाइन होती है वैन ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट, विच कैटेगरी डज अ डीवीडी फॉल अंडर। डीवीडी जो है वो किस कैटेगरी के अंडर आती है, ऑप्टिकल डिस्क के अंडर आती है, इसमें कोई बात ही नहीं ऐसी तो, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में आती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में अपनी डीवीडी आती है। व्हाट इज अ टर्म फॉर ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ अ फॉर्म ट्रांजैक्शन एट वंस, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, एन ऑनलाइन सिस्टम, नन ऑफ दीज, या फिर क्या। सो द आंसर इज बैच प्रोसेसिंग involves grouping and processing multiple transactions together, ठीक है। What is the name, what is another term for semiconductor memory? हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, important question है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि semiconductor memory को दूसरी टर्म में क्या बोलते हैं, आपसे यहां पूछा गया है। तो ये होता है हमारा क्या, RAM होती है, ठीक है, RAM is a type of semiconductor memory। Next, What is the term for every computer on the internet? जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो इंटरनेट में हमारे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो हर एक कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, होस्ट बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज है, तो क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क के ऊपर जब भी कंप्यूटर होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम होस्ट बोलते हैं। और यही जब कंप्यूटर्स हमारे टोपोलॉजीज में होते हैं तब उनको नोड्स बोलते हैं, NODS करके टोपोलॉजी में इनको हम नोड्स के टर्म में होते हैं यूज करते हैं, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया इज अ स्पाइरल शेप ट्रैक फॉर्मेटिंग प्रेजेंट, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, हाफ इंच टेप कार्ट्रिज, नन ऑफ दिस, ये आपसे पूछा गया है। In which type of storage media is a spiral shaped track formatting? Spiral shaped track formatting किसमें होती है? ये होती है आपकी भाई, देखो किसमें? Optical disk में। Optical disk में क्या होता है? Spiral shaped track information होती है, मतलब ऐसे ना, ठीक है? Optical disk में spiral, ठीक है? Floppy आपकी spiral नहीं होती ना? इसमें से एक ही चीज spiral होती है। ओके, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ वायरस रिसाइड्स परमानेंटली इन रैम मेमोरी, इसमें से कौन सा जो वायरस है वो परमानेंटली रैम मेमोरी में रह जाता है। तो रेजिडेंट वायरस है, फाइल इन्फेक्टर्स है, बूट वायरस है, मैक्रो वायरस है, नन ऑफ दीज है। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ उसको, आप लोग बताओगे 69 का आंसर, आप बताओगे मुझे। बोलो भाई, जल्दी बताओ, ये आपका वेट कर रहा हूं मैं आज का। चलो बताओ जल्दी, 69 ओके, ठीक है। रेजिडेंट वायरस होता है,
ओके ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेजिडेंट वायरस फाइल इन्फेक्टर्स वो होते हैं जो आपकी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। बूट वायरस आपका जो है वो उस तरह का वायरस है जो आपका बेसिकली आपके जो बूटिंग का जो सिस्टम है उसको मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो ये आपका बेसिकली मदरबोर्ड पे जो है उस पर काम करता है। ठीक है, मैक्रो वायरस आपका वायरस होता है जो आपका एक एक तरह से डुप्लीकेट वायरस की तरह काम करता है, जैसे आपकी और जो फाइल्स होती हैं जैसे एमएस वर्ड में, एमएस फाइल में, उनकी तरह ये काम करके जो भी वायरस की तरह ये काम करता है, ये होता है बेसिकली। ठीक है, और रेजिडेंट वायरस जो है आपके रैम मेमोरी में रह जाते हैं हमेशा के लिए। विच ग्रुप कंटेन्स फाइल एक्सटेंशन रिलेटेड टू ग्राफिक्स, जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम, जीआईएफ, टीसीएफ, डब्ल्यूएमएफ, टीसीपी, जेपीजी, बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, मतलब कौन सा ग्रुप कंटेंशन ग्राफिक्स रिलेटेड है? तो इसका आंसर यहां पर जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। ठीक है, ये आपका यहां पर आएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी आया था, अभी मुझे अभी याद आ रहा है, एक एग्जाम में क्वेश्चन था अभी एक जो आपका चैट जीपीटी से रिलेटेड था, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना। जैसे मैंने समझाया था लास्ट वाली जो हमारी सेशन हुआ था कि चैट जीपीटी से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अनदर टर्म फॉर अ नंबर सिस्टम विद अ बेस ऑफ टू। सिंपल सा पूछा गया है, जिसका बेस नंबर टू है उसका बेस टू है उसका नंबर का नाम क्या होगा सिस्टम का, तो बाइनरी होता है टू, फिर एट है, फिर टेन है, फिर सिक्सटीन है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में नौ के बाद आपको ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जो है वो नाम आने लगते हैं, नौ के बाद ऐसे तक जाता है ये 15 तक। ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट फॉर प्राइमरी स्टोरेज, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो प्राइमरी स्टोरेज के बारे में ट्रू नहीं है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, तो ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस, इट कैन बी रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है, इट कैन बी रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, प्राइमरी स्टोरेज इज नॉट इजिली रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो उसको ये कम कर सकते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज पे क्या फायदा होता है, उसका फायदा यहाँ पर ये है कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो इजियर टू अंडरस्टैंड होती है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज को, और मतलब सारे के सारे जो है वो इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, मॉडिफाई है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, ये ना जीरो और वन में काम करती है भैया, आप काम करिए जीरो वन में, इसको सिर्फ कंप्यूटर समझ पाएगा। असेंबली लैंग्वेज को हम इजिली समझ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको इजिली हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बाद में ना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डज वीपीएन स्टैंड फॉर, वीपीएन के आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या विशियस पर्सनल नेटवर्क। आंसर इसका यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। Which statement is true about dial-up internet access? जो हम dial-up internet access करते हैं internet में, computers में, तो इसमें से क्या बात सही है? It utilizes the existing telephone services. It uses a router for security. It utilizes broadband technology. Modem speeds are very fast. या फिर all of the above. ये आपसे यहाँ पूछा गया है। सो इसमें से जो सही आंसर है वो है कि जो हमारे पास जो टेलीफोन सर्विस है, बेसिकली आपने अगर देखा होगा, अभी तो खैर हम इसको हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, डायल अप कनेक्शंस वो कनेक्शंस होते हैं आपके घर में, अगर देखा हो बहुत पुराने टाइम में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे बीएसएनएल के, एमटीएनएल के, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, उसमें इंटरनेट चलता था और जो वायर जो होती थी टेलीफोन की उसकी हेल्प से हम इंटरनेट को चलाया करते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे डायल अप कनेक्शन जो होते हैं, तो इट यूटिलाइजेस द एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज। फाइन, दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन बी रीड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर, इसको हम डायरेक्टली जो कंप्यूटर प्रोसेसर रीड कर सकता है, हार्ड डिस्क है, मेन मेमोरी है, सीडी है, डीवीडी है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो मेन मेमोरी है वो डायरेक्टली कंप्यूटर प्रोसेस को क्या कर सकता है, एक्सेस जो है वो कर सकता है। ठीक है, हाउ इज कम्युनिकेशन बिटवीन अ प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस इनसाइड द कंप्यूटर एस्टैब्लिश, कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है प्रोसेसर में और जो कंप्यूटर के अंदर की डिवाइस है उसके अंदर कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा। आंसर है इसका यहाँ पर बस, चैनल, नेटवर्क केबल। ठीक है, या फिर क्या, तो ये बस जो होती है, बस बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन करती है सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए
छोड़ो ये नहीं करते ना, ठीक है। फाउंडर पूछा है उससे माइक्रोसॉफ्ट, आंसर है बिल गेट्स, छोड़ो। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ चेकबॉक्स एंड अ रेडियो बटन? हमारे पास एक होता है चेकबॉक्स, एक होता है हमारे पास रेडियो बटन। तो इनके पास हमारे पास क्या क्या इनके बेसिक डिफरेंस होते हैं आपसे पूछा गया है। पहला है नो डिफरेंस। इन रेडियो बटन्स मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड, व्हेयरएज इन चेक बॉक्सेस ओनली अ सिंगल ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड। इन चेक बॉक्स एज वेल एज रेडियो बटन्स मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड बट रेडियो बटन्स कैन बी यूज्ड ओनली ट्वाइस। इन चेक बॉक्सेस मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड, व्हेयरएज इन रेडियो बटन्स ओनली अ सिंगल ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड। सो द आंसर इज डी कि चेक बॉक्स में क्या है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन रेडियो बटन में सिंगल बटन आप। अब चेक बॉक्स और बटन्स क्या होते हैं, चेक बॉक्स तो चेकबुक्स आप पे क्या क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो ये इस तरह से यहाँ पे टिक लगते हैं चेकबॉक्स के, ठीक है। रेडियो बटन आपके होते हैं इस तरह से, जैसे आप रेडियो बटन का मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप कोई ऑनलाइन कोई फॉर्म कोई टेस्ट देते हो, आपने ऑनलाइन को टेस्ट दिया, आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से एक ही तो टिक हो पाएगा ना, या फिर सारे के सारे टिक होते हैं, वो होते हैं आपके रेडियो बटन। चेकबॉक्स की ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ऐसे करके चेकबॉक्स जो है वो हो जाते हैं उसमें। जब आप फॉर्म भरते हो वहां पर आप एक साथ चेकबॉक्स को फिल कर सकते हो बट रेडियो बटन को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल? अगर एक मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो क्या होगा, इट एक्सप्लोड्स इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, इट लूजेस इट्स कंटेंट्स इफ द करंट इज टर्न्ड ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द डेटा स्टोरेज ओनली, it is used for both reading and writing data, if none of these, so the answer is it loses its contents if the current is turned off, volatile memory loses data when power is turned off, theek hai chaliye। which of the following is not a function of a microprocessor? isme se kaun sa ek microprocessor ka function jo hai wo nahi hai, controls the rest of the computer's components, regulates the system unit temperature, process data, interprets instructions given by software, फिर none of these। और आंसर क्या है, क्या करेगा ये, जो टेम्परेचर है का इससे कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। माइक्रोप्रोसेसर का टेम्परेचर से क्या ही मतलब होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमेंट चेक कर लेते हैं अभी एक बार जरा। चलो, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू वैन, ठीक है। अच्छे कमेंट्स से मजा आ रहा है सर, एक ने लिखा मजा आ रहा है, ठीक है। फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को, और 17 क्वेश्चंस और बचे हमारे पास, 18 क्वेश्चन बचे हैं, सॉरी। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू अ वैन, वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, CSMA CD, Wi-Fi, TCP/IP या POP, ठीक है। आंसर यहां पर हमें TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तब तक मुझे आप इसकी CSMA की फुल फॉर्म लिख के बताओ सभी लोग, ठीक है। CSMA और POP की फुल फॉर्म आप मुझे सब लोग मुझे लिख कर बताओ फटाफट से। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट डिटरमिन, रीडिंग अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन, हाउ टू फेच देम, हाउ टू एग्जीक्यूट देम, हाउ टू डिकोड देम, हाउ टू परफॉर्म अरिथमेटिक विद देम, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पर क्या है, हाउ टू फेच देम, ठीक है, डेटा को वहां से फेच कैसे करना है बेसिकली। Next, what storage medium has a larger capacity up to 17 GB both layers and both sides are used? अगर हम सारी की दोनों के दोनों layer और दोनों के दोनों sides को हम use कर लें तो 17 GB तक जो होता है, I think DVD ROM होता है मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल ठीक है, DVD ROM जो होता है वो ये इसकी जो storage capacity है वो होती है इसकी, ठीक। What kind of card connects each computer to the wiring in the network? Network interface card, PC interface card, memory card, या फिर all of the above? So the answer is network interface card जो होता है वो wiring को each computer से क्या करता है, connect करता है। What is the initial page of a website commonly called? The start page, the hyperlink page, the link page, the home page, या none of the above? Website का initial page पूछा गया है, तो obviously वो home page ही होगा, है ना? पहला page website का
क्या होता है इनिशियल मतलब होम पेज, ठीक है चलिए नेक्स्ट. व्हाट टाइम इज यूज फॉर अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क. सेटअप है, प्रोग्राम है, सिस्टम है, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, नन ऑफ दीज है. तो द आंसर इज यहां पर प्रोग्राम. To execute a given DOS program, what must you type? Command, order, syntax, all of the above, none of the above. अगर आपको एक given DOS program, ठीक है? किसी ने answer किया उन full forms का मुझे? या नहीं किया अभी? अभी नहीं किया किसी ने? 69 का D. इतना पीछे क्यों देख रहे हो भैया आप? अतुल सलारे जी, हम 89 ने पहुंच गए हैं. Full forms को, full form को बताओ मुझे भाई, मैंने पूछी थी full form भी. फुल फॉर्म का आंसर. टू एग्जीक्यूट अ गिवन ड्यूएस प्रोग्राम व्हाट मस्ट यू टाइप? कमांड, ऑर्डर, सिंटैक्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. द आंसर इज कमांड. ठीक है चलो. व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट और अ प्रोग्राम? डॉट नेट पासपोर्ट, जीयूआईडी. यहाँ पर जीयूआईडी लिखा हुआ है ऑलरेडी. जीयूआईडी प्राइवेट की, कुकी, नन ऑफ दीज, या जीयूआईडी. अब मुझे बताओ जीयूआईडी फुल फॉर्म. एक और क्वेश्चन, GUID की फुल फॉर्म बताओ सभी लोग, जल्दी बोलो भाई, आप लोग लिख नहीं रहे हो. बताओ जल्दी. ठीक है GUID बताओ फटाफट से क्या होता है. मैं लिख रहा हूं इसको यहां पर ना. नेक्स्ट, ये RAM is an example of volatile storage and serves as the computer's what? Computers का RAM क्या होता है? Volatile storage का part है, example है, लेकिन क्या serve करेगा? तो पहले मेरे को बताओ GUID की full form, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, फिर उसको हम आगे चलेंगे. RAM is an example of volatile storage and serves as the computer's what? Short term memory, hard drive, permanent storage unit या फिर auxiliary CPU. ये आपसे यहाँ पूछा गया है. आंसर क्या है इसका? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है RAM, ठीक है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होती है. लाइट चली गई, RAM भाग गई. RAM होती है परमानेंट, कुछ टाइम के लिए होती है, वो हमेशा के लिए होती है. ठीक है. When a computer prints a report, what is this output called? जब एक कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर कोई भी एक प्रिंट को निकालता है, भैया आप लोग आंसर, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर. और CSM में बताओ अनु, फिर आपने CSM में तो बताया नहीं मुझे क्या होता है. ठीक है, जब एक कंप्यूटर ने रिपोर्ट को प्रिंट किया तो आउटपुट जिसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जब उसको स्कैन करते हो. ठीक है, जब वो प्रिंट निकल जाएगा तो वो हार्ड कॉपी होती है, जब वो स्कैन करते हो तो वो क्या हो जाती है? वो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग डेटा हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर, बिट, बाइट, फाइल, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस. अब आपको इसको हायरार्किकल ऑर्डर में करना है, देखते हैं इसकी हायरार्की क्या होती है. ठीक है, पहले है बाइट, फिर है बिट, फिर है फील्ड, फिर है रिकॉर्ड, फिर है फाइल, फिर है डेटाबेस. ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? बिट है. आपसे देख लो यहां पे ना, इसको हायरार्की पूछा है. ठीक है, और सेंडिंग ऑर्डर क्या है? बिट है, बाइट है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, डेटाबेस है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये है, हायरार्की में ये है, सेंडिंग ऑर्डर में ये है. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन? इंफॉर्मेशन क्या मतलब क्या होता है? रॉ डेटा, डेटा, डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म, या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्रोग्राम. आंसर है इसका यहां पर डेटा इन मोर यूजफुल एंड और इंटेलिजिबल फॉर्म. फ्लॉपी डिस्क, बेसिकली फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क आप लोगों को शायद नहीं दिखी होगी, बहुत पहले यूज करते थे. फ्लॉपी डिस्क स्क्वायर की शेप में होती है, बहुत छोटी सी होती है. सर्कुलर ट्रैक्स ओनली तो ऐसा नहीं है, सेक्टर्स ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. सर्कुलर ट्रैक्स हमारे होते हैं किसमें? डीवीडीज में, ऑप्टिकल डिस्क में. इसमें हमारा क्या होता है? सर्कुलर भी होंगे और सेक्टर्स भी होंगे इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्लॉटर? प्लॉटर के बारे में बता चुका हूं. पहली बात तो वो आउटपुट डिवाइस होती है, तो ये तो होगा ही नहीं. एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स. हमें बेसिकली ग्राफिक्स और ड्राइंग्स करानी हो तो हम प्लॉटर्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं. बताया था मैंने आपको इसका एग्जांपल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल पैकेज? कॉरल ड्रो, एमएस ऑक्सेल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें क्या है आपका? कॉरल ड्रो जो है मैं ग्राफिकल पैकेज है. ये आपके बेसिकली ऑफिस के हैं, डॉक्यूमेंट्स के हैं, लिखने के काम आते हैं. कॉरल ड्रो आपका ग्राफिकल में काम आता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है? तो यहाँ पर आई थिंक कुछ क्वेश्चन में गलती होगी मेरे ख्याल से. अच्छा, एग्जाम्पल होने थे बट वो गलत हो गया यहाँ पर. तो माउस है, ट्रैकबॉल है, जॉयस्टिक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस यहाँ पर जो है वो हो जाएंगे. यहाँ पर ये यह है.
Which switching method does the internet use? Internet जो है वो कौन सा switching method use करता है? Circuit switching, packet switching, hybrid switching या फिर all of the above? ये है आपका packet switching, ठीक है? Internet क्या use करेगा? Packet switching को भाई use करता है, ठीक है? और ये है हमारा आज का last question. For immediate real time communication with the friend, what would you use? Instant messaging, email, Usenet, blog, none of these. अगर आपको instant, immediate, real time चाहिए, तो ये होता है आपका instant मैसेजिंग, यहाँ पर क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है. तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. मैंने पूरी ट्राई किया कि आपका कम से कम टाइम वेस्ट करके आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो यहाँ पर दिखा दूं. क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे आते हैं, आप एक घंटा बैठते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते. और आई होप आज आपने यहाँ मुझे एक घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर दिया है और आपके यहाँ पर 100 सवाल जो है कंप्यूटर के हमने किए हैं और उसमें से कुछ सवाल बहुत ही अच्छे थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है आई गेस. ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन. आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा मुझे आई होप. तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना मैक्सिमम लोगों तक, इस सेशन को आप लाइक कर देना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जो उसकी पीडीएफ है पीडीएफ फॉर्म में वो बाद में मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं इसको अटैच करा दूंगा, वहां से भी आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ओके एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो अपनी. आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कैलाश सर को, आप सोनल मैम को, हिमानी मैम को आप कॉन्टेक्ट कीजिए. आपको सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर वो आपकी वो सॉल्व करेंगे हमारे मीडियम से. टेलीग्राम चैनल है उसका, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और इसकी जो पीडीएफ है पूरे सेशन की वो भी आपको जो है वो मिल जाएगी. फाइन, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो. मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.